أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ربي زدني علما عزيز طلباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیارے بچوں سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنا رخ کس طرف کرتے ہیں نماز کے اندر ہم اپنا منہ یا اپنا رخ کس طرف کرتے ہیں عزیز طلباء جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے نیت کے اندر ہم کہتے ہیں مو میرا خانہ کعبہ کی طرف تو نماز کے اندر ہم اپنا رخ کس طرف کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف دوسرا سوال میرا یہ ہے پیارے بچوں یہ بتلائیے کہ خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا عزیز طلباء خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا عزیز طلباء میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے خانہ کعبہ میں سارے مسلمان اکٹھے ہو کر ایک اہم عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا نام بتائیں تو خانہ کعبہ میں سارے مسلمان جمع ہو کر جو عبادت کرتے ہیں اس کا نام ہے حج کیا نام ہے حج تو عزیز طلباء آج کے ہمارے سبق کا جو موضوع ہے جو عنوان ہے وہ حج ہے کیا ہے حج ہے پیارے بچوں سب سے پہلے ہم حج کا لغوی معنی پڑھیں گے لغوی معنی کے بعد ہم پڑھیں گے اصطلاحی مفہوم تو حج کے لغوی معنی ہیں ارادہ کرنا یا قصد کرنا حج کے لغوی معنی کیا ہیں ارادہ کرنا یا قصد کرنا پیارے بچوں یہ ہوئی حج کی لغوی معنی اب ہم پڑھیں گے حج کا اصطلاحی مفہوم حج کا اصطلاحی مفہوم دین کی اصطلاح میں حج سے مراد مخصوص دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اور وہاں پر مخصوص عبادات کا ادا کرنا حج کہلاتا ہے اب ہم نے حج کے اصطلاحی مفہوم کو بیان کیا تو حج کے اصطلاحی مفہوم میں چار چیزیں نمبر ایک مخصوص دنوں میں نمبر دو اللہ تعالیٰ کی رضا نمبر تین خانہ کعبہ کی زیارت اور نمبر چار مخصوص عبادات کا ادا کرنا حج کہلاتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس حج کی اہمیت حج کی اہمیت تو عزیز طلباء حج اسلام کا پانچواں رکن ہے حج دین اسلام کا کون سا رکن ہے پانچواں رکن ہے اور یہ ایک مسلمان پر تمام عمر میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے صاحب استطاعت آدمی پر جو حج پر جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اس پر تمام عمر میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے اسی طرح عزیز طلباء حج
ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की यादगार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की यादगार है। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की यादगार के साथ साथ इससे मुसलमानों के अंदर बाइमी हमदर्दी और इसार का जज्बा पैदा होता है। मुसलमानों के दरमियान क्या फ़ायदा होता है? बाइमी हमदर्दी और इसार का जज्बा पैदा करता है। दुनिया भर के मुसलमान खाना काबा में जमा होकर एक दूसरे के हालात से बाखबर रहते हैं। जब एक दूसरे के हालात से बाखबर रहते हैं, जिससे मुसलमानों के अंदर मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा होता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, हज जो है गुनाहगारों की मग़फ़रत का सुनहरी मौका है। हज गुनाहगारों को मग़फ़रत का एक सुनहरी मौका फराहम करता है, जिससे फ़ायदा ना उठाना हद दर्जे की नाशुक्री और बदबख्ती है। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा, हज की अहमियत। हज की अहमियत। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, हज कौन से पैगंबर के दीन की यादगार है? तो हज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की यादगार है। इसी तरह हज जो इबादत है, ये एक साहिब इस्तेताद मुसलमान पर ज़िंदगी में कितनी दफ़ा फ़र्ज़ है? तो साहिब इस्तेताद मुसलमान पर ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज है। इसी तरह हज से मुसलमानों के दरमियान कौन कौन सी अच्छी सिफात पैदा होती हैं? तो हज से मुसलमानों के दरमियान बाइमी हमदर्दी और इसार का जज्बा पैदा होता है। इसके बाद हज की अहमियत के बाद हम आगे चलते हैं। हज और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह ने हज की अहमियत को कैसे बयान किया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की अहमियत को वाज़े करते हुए फरमाया, जिसका मफहूम ये है, जो कोई अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हज करता है, अल्लाह ताला के हुक्म में हज की तामील करता है और दौरान हज अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज रहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गुनाहों से ऐसे पाक होकर वापस लौटता है गोया उसकी माँ ने उसे अभी जन्म दिया हो। जैसे छोटा नन्ना मुन्ना मासूम बच्चा जब दुनिया के अंदर आता है, वो गुनाहों से पाक होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान हज की तामील करता है और दौरान हज अल्लाह की नाफरमानियों से बाज रहता है, वो गुनाहों से इसी तरह पाक हो जाता है जैसा कि छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा। ये था हज की अहमियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। इसके बाद है, अगर साहिब इस्तेताद आदमी हज ना करे तो उसके लिए क्या वहीद है? तो अज़ीज़ तलबा, अगर कोई साहिब इस्तेताद आदमी हज किए बग़ैर फौत हो जाए, वो सफ़र के हज पर जाने के या सफ़र हज के अखराजात बर्दाश्त करने की इस्तेताद भी रखता हो
और फिर भी वो हज पर न जाए और फौत हो जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो एक मुसलमान की मौत नहीं बल्कि यहूदी या नसरानी की मौत मरेगा। तो साहिब इस्तेतात आदमी हज किए बग़ैर मर जाए तो उसके लिए क्या वईद है? उसके लिए वईद यह है वो नसरानी की मौत मरे या यहूदी की मौत मरेगा। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा सबक जिसका उन्वान था हज। दोबारा से देखते हैं, हमने सबसे पहले हज के लुग़वी मानी किए, इरादा या कस्त करना। इस्तिलाही मफहूम के अंदर चार पॉइंट हैं। इस्तिलाही मफहूम में नंबर एक मखसूस दिन, नंबर टू अल्लाह ताला की रज़ा, नंबर तीन खाना काबा की ज़ियारत, नंबर चार मखसूस इबादात का अदा करना। उसके बाद हमने पढ़ा हज की अहमियत। अहमियत में हमने पढ़ा हज दीन इस्लाम का पाँचवा रुकन, ये ज़िंदगी भर में एक दफ़ा फ़र्ज है साहिब इस्तेतात आदमी पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की यादगार है, इससे मुसलमानों के अंदर हमदर्दी और इसार का जज्बा पैदा होता है, ये गुनाहगारों की मगफरत का सुनहरी मौका है। अहमियत के बाद हमने पढ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में हज करेगा गोया वो गुनाहों से ऐसे पाक होगा जैसे उसकी माँ ने उसे अभी जन्म दिया हो। आखिरी पॉइंट है साहिब इस्तेतात आदमी का हज। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो साहिब इस्तेतात हज किए बग़ैर फौत हो जाए वो मुसलमान की नहीं बल्कि यहूदी या नसरानी की मौत मरेगा। अब आते हैं सबक का खुलासा। आज हमने क्या पढ़ा? नंबर एक लुग़वी मानी, हज के लुग़वी मानी। नंबर दो हज का इस्तिलाही मानी। नंबर तीन हज की अहमियत। नंबर चार हज और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर पाँच साहिब इस्तेतात का हज। ये हुआ सबक का खुलासा। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा, आज का आपका होमवर्क ये है आपकी बुक के अंदर सफ़ा नंबर 29। दर्ज ज़ैल सवालात के जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर एक, हज की अहमियत पर एक नोट लिखें। ये सवाल आपका हो गया। दूसरा, हज के लुग़वी मानी क्या हैं? और तीसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की अहमियत को वाज़े करते हुए क्या फरमाया? नंबर चार, अगर कोई साहिब इस्तेतात आदमी हज किए बग़ैर मर जाए तो उसके लिए क्या वईद है? और एक चीज़ इस आपके एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, हज के लुग़वी मानी तो हैं, हज का इस्तिलाही मानी। तो हज का इस्तिलाही मफहूम भी मैंने आपको पढ़ाया, आपने वो भी ज़हन नशीन करना है, याद करना है। तो ये आज के आपका होमवर्क, आपने इन तमाम पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आपने लिखना है खूबसूरत करके। पहले आप इस सबक को बहुत अच्छे से याद करें। जब अच्छे से आपको ज़हन नशीन हो जाए तो ज़हन नशीन होने के बाद खूबसूरत करके आप इसको लिखेंगे और फिर स्कूल की तरफ से जब आपको मैसेज मिलेगा तो आपने स्कूल के अंदर सबमिट करवाना होगा। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा।